हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी शेफ्टास्टिक्स। तो आज जो रेसिपी आपके लिए लेकर आया हूँ वो है कोल्सलो सैंडविच। एंड कोल्सलो एक क्लासिक है एंड मोस्टली सभी यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक परफेक्ट कोल्सलो कैसे बनता है एंड उससे हम सैंडविच भी बनाएंगे जो सबको बहुत ही पसंद आते हैं, मोस्टली बच्चों को। बट इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसकी कटिंग एंड पोर्शंस। तो इसमें आपको मैं कटिंग टिप्स भी दूंगा जिससे आप एक प्रोफेशनल की तरह कटिंग करना सीख सकते हैं और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो देखिएगा एंड आई प्रॉमिस आप कुछ अच्छा सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैबेज से। तो हम पहले जो इसका ये बॉटम पार्ट है वो कट करेंगे, फिर इसको चार पीसेस में काट लेंगे, फिर इसका ये वाइट पार्ट जो है इसको भी रिमूव कर देंगे ऐसे, और ये जो पोर्शन है इसे भी निकाल देंगे। अब इसे ऐसे दबाकर फ्लैट कर देंगे। तो देखिए, इसे ऐसे श्रेड करना है। एक बार पहले मैं इसे करके दिखा देता हूँ। ये जो स्पीड है ये प्रैक्टिस एंड टाइम से आएगी। तो देखिए, हमने इसे ऐसे पकड़ना है, मीन्स जो फिंगर है हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके रखनी है एंड जो ये आपके नकल्स हैं ये ही नाइफ को गाइड करने का काम करते हैं। बस आगे की फिंगर्स को फोल्ड रखिए एंड थंब से इसे आगे की तरफ पुश करते रहिए। तो चलिए एक बार फिर से करते हैं। सेम प्रोसीजर है, वाइट पार्ट निकालेंगे, बीच का ये पार्ट भी निकाल देंगे और इसको फ्लैट करेंगे अच्छे से। अब बस नाइफ को देखिए, इसे ऐसे ही ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी तरफ खींचना है और इसको बिल्कुल पतला पतला श्रेड करना है। एंड फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि स्पीड टाइम एंड प्रैक्टिस के साथ ही आएगी, तो आपने स्टार्ट बिल्कुल धीरे धीरे ही करना है। एंड वो कहते हैं ना कि पेशेंस इज़ अ की। तो देखिए, ये हमने सब श्रेड कर ली है एंड अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है तो स्लाइसर की ऑप्शन जो है वो हमेशा है आपके पास, मीन्स आप स्लाइसर का भी यूज़ कर सकते हैं। बस अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और लेते हैं कैप्सिकम। ये मैंने पहले भी अपने नूडल्स की रेसिपी में बताया था कि विदाउट वेस्टेज कैप्सिकम कैसे यूज़ करेंगे, उसका लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। बट यहाँ भी बता देता हूँ, बिकॉज आई सी एवरीबडी वेस्ट कैप्सिकम अलॉट। सो जस्ट सी, पहले इसके दोनों साइड्स काट देंगे, फिर इसे ऐसे स्लिट करके इसके सीड्स ऐसे निकाल देंगे और बस ये वेस्टेज है, बाकी सब यूज़ करेंगे। अब कोल्सला के लिए हमने इसको बिल्कुल थिन स्लाइस करना है बिकॉज इसे हमें कच्चा ही खाना है, तो इसकी कटिंग बहुत ही फाइन होती है। तो सेम प्रोसेस से वैसे ही नाइफ चलेगा जैसे हमने कैबेज के टाइम चलाया था। जस्ट सी, देखिए बिल्कुल थिन स्लाइस करना है। एक बार दोबारा देखिए, फिंगर की टिप अंदर की तरफ एंड धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ नाइफ को अपनी तरफ खींचना है। अगेन नकल्स गाइड करेंगे नाइफ को एंड थंब पुश करेगा। तो देखिए, थिन स्लाइस हो गई हैं। बस अब हम लेंगे कैरेट, तो इसके ऐसे थोड़े छोटे पार्ट्स कर लेंगे और इसे थिनली स्लाइस करेंगे विद सेम टेक्निक, ऐसे ही धीरे धीरे। और बस अब इसे ऐसे रेंज करेंगे और फिर वैसे ही फिंगर्स अंदर की तरफ, नाइफ अपनी तरफ करते हुए धीरे धीरे थंब से पुश करके इसकी जूलियंस कर लेंगे। तो देखिए, इसकी कितनी फाइन जूलियंस हो गई हैं। आप कैरेट श्रेडर से भी श्रेड कर सकते हो, वो भी करके दिखा देता हूँ। देखिए, तो देखिए हमने कैप्सिकम, कैरेट एंड कैबेज श्रेड कर ली हैं और हमें चाहिए 2 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर, 1 टेबलस्पून बटर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 कप मेयोनेज। एंड फ्रेंड्स, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज वेजेज एंड मेयोनेज का पोर्शन होता है, और वो पोर्शन क्या होता है, इसमें 50% कैबेज, 5% कैरेट, 5% कैप्सिकम एंड 40% मेयोनेज जाएगी। एंड दूसरे बॉल में हम लेंगे मेयोनेज, ब्लैक पेपर, शुगर, सॉल्ट,
और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस फिर इसमें अपनी वेजेस डालेंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस अब लेते हैं ब्रेड स्लाइसेस, मैंने चार लिए हैं एंड इसके जो साइड्स हैं वो ट्रिम कर लेते हैं। और बस अब इस पर लगाएंगे अपना कोल्सलो, इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे पूरी स्लाइस पे। अब इस पे रखेंगे एक चीज़ स्लाइस और बस ऊपर रखेंगे दूसरा ब्रेड स्लाइस। अब हमने अपना ग्रिल पैन रख लिया है एंड उस पे थोड़ा बटर ग्रीस करेंगे और बस फिर ब्रेड पे भी थोड़ा बटर लगाकर हम इसे पैन में रख देंगे और दूसरी साइड से भी बटर से ग्रीस कर देंगे। बस अब इसे फ्लिप करके दूसरी साइड से भी ग्रिल करेंगे। देखिए कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। अभी ये देखिए ये स्ट्रेट मार्क्स हैं बट हम इस पे स्क्वायर मार्क्स लाएंगे तो उसके लिए इसे हम ऐसे फ्लिप करके रखेंगे और देखिए ये स्क्वायर मार्क्स। बस अब इसे निकाल लेते हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं बट हम इसे ट्रायंगल्स में काट लेते हैं विद ब्रेड नाइफ। तो ये देखिए तैयार है हमारे कोल्सलो ग्रिल सैंडविच विद वाइट ब्रेड। बस अब इसे अरेंज कर लेते हैं और देखिए तैयार है हमारे कोल्सलो ग्रिल सैंडविच। तो दोस्तों अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है एंड कुछ यूजफुल टिप्स मिले हैं प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड जो चैनल पे नए आए हैं वो नीचे जो लाल कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए एंड ये बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।